नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे किया जाता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष बांटे हैं। वैसे वो सिद्ध रुद्राक्ष है, फिर भी अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं या आपने कहीं और से रुद्राक्ष लिया है और उतनी ही शक्ति आप अपने रुद्राक्ष में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे सिद्ध करना जरूरी होता है, क्योंकि हर इंसान को तो यहाँ से यानी कि कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष मिल नहीं सकता। तो आप अपने कहीं से भी रुद्राक्ष ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि वो ओरिजिनल रुद्राक्ष होना चाहिए। उस रुद्राक्ष को आप किस प्रकार से सिद्ध करेंगे ये मैं बताने वाला हूँ। ये भी जो तरीका है वो पंडित प्रदीप मिश्रा ने ही बताया है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बाकायदा करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है। क्योंकि एक सिद्ध रुद्राक्ष का ही उपयोग करने से आपका जो सारा प्रॉब्लम है वो दूर होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी रुद्राक्ष उठाया और उससे आपने काम किया, ऐसा नहीं हो सकता। उसको सिद्ध करना जरूरी है, और जो कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष मिलते हैं वो सिद्ध किए हुए मिलते हैं, इसी कारण से उसका प्रभाव होता है और उससे लोग ठीक होते हैं। तो उतनी ही एनर्जी आपको अपने रुद्राक्ष में भी चाहिए। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका है, जो कि शिव महापुराण में ही वो तरीका लिखा हुआ है, और उसके थ्रू आप किसी भी रुद्राक्ष को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप केवल फॉलो करते चलिए। तो पहले तो आपको क्या करना है कि एक तांबे का जो पात्र होता है, तांबे का पात्र आपको लेना है। फिर एक बिलपत्ती लीजिए, इस प्रकार की बिलपत्ती, और ये 5 बिलपत्र होना चाहिए। कितनी बिलपत्र होना चाहिए? 5। और सभी बिलपत्र का जो ये जो मिडिल वाला पत्ता है इसके ऊपर आपको ओम लिखना है, ठीक है। इस प्रकार की आपको 5 बेलपत्र लेना है, और 5ों बेलपत्र के जो बीच वाला पत्ता है उसके ऊपर आपको ओम लिखना है, ठीक है। उस 5ों बेलपत्र को आप वो जो अपने प्लेट ली है तांबे की, उस प्लेट में आपको इस तरह से रख देना है। 5ों को आपको इसको रख देना है, और उन 5ों के ऊपर क्या करना है, जो रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को भी रख देना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने क्या करा कि बेलपत्र ली, मैंने एक ही बेलपत्र ली, लेकिन आपको 5 बेलपत्र लेना है। 5ों बेलपत्र के ऊपर एक के बाद एक जो रखेंगे उसके बाद इस रुद्राक्ष को आप रख दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको 108 बेलपत्र लेना है दूसरी, ये तो 5 बेलपत्र हो गए, इसके बाद क्या करना है, 108 बेलपत्र लेना है। जैसे मैंने एक बेलपत्र से आपको करके बता रहा हूँ, ये 100 इस प्रकार की आपको 108 बेलपत्र लेना है। ध्यान रखें कि ये जो बेलपत्र है उस पर आपने बीज के पत्ते पे ओम लिखा है, लेकिन बाकी जो बेलपत्र है उस पर लिखना जरूरी नहीं। अगर लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। तो जैसे मैंने ये बेलपत्र ली, इस प्रकार की आपको 108 बेलपत्र लेना है, और उस बेलपत्र को एक एक करके ये जो रुद्राक्ष इसमें रखा हुआ है उस रुद्राक्ष के ऊपर आपको रखना है, और रखने के समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? आप बहुत सारे मंत्र, उनमें से किसी भी मंत्र को यूज़ कर सकते हो। ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, ठीक है, नमः शिवाय बोल सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हो, या फिर आप जिस रुद्राक्ष को सिद्ध करना चाहते हो, जैसे कि मेरे पास अभी पंचमुखी रुद्राक्ष है, तो इस प्रकार कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष, एक से लगा के 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लगा के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं, और सभी रुद्राक्ष का अपना अपना एक मंत्र है। उस मंत्र के थ्रू आप इसको सिद्ध कर सकते हो, या तो आप ओम नमः शिवाय बोल दीजिए, या नमः शिवाय बोल दीजिए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए, या फिर उस पर्टिकुलर जो आपके पास रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष का मंत्र बोल दीजिए। कितनी बार बोलना? 108 बार। तो आप एक मंत्र बोलेंगे, एक बेलपत्र रखेंगे, फिर दूसरा मंत्र बोलेंगे, दूसरी बेलपत्र रखेंगे, इस प्रकार से 108 बार मंत्र बोलना है, और 108 ही बेलपत्र इस पर चढ़ाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो रुद्राक्ष जो है उसके मंत्र क्या है, तो इसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने पूरे एक से लगा के 14 तक के जो रुद्राक्ष है उसको किस प्रकार से धारण किया जाता है, उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और उसके कौन कौन से उसके जो मंत्र होते हैं वो सारे उस वीडियो में आपको दे रखा है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं, और वहाँ से आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो अभी तो हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करा कि पहले 5 बेलपत्र ली, 5 बेलपत्र के मिडिल वाले जो पत्ता है, बड़ा वाला पत्ता जो होता है, उसमें आपने ओम लिखा, वो 5ों को रख दिया नीचे मतलब इस प्लेट में, और उसके ऊपर फिर आपने रुद्राक्ष रख दिया। उस रुद्राक्ष के ऊपर आप एक एक करके एक मंत्र बोलेंगे, एक बेलपत्र चढ़ाएंगे, फिर एक मंत्र बोलेंगे, फिर एक बेलपत्र चढ़ाएंगे, इस प्रकार से आपको 108 बेलपत्र चढ़ाना है, ठीक है। अब आपने 108 बेलपत्र चढ़ा के और उसको पूरे को ढक दिया है, यानी कि जो आपका रुद्राक्ष है वो ढक चुका है, ठीक है। अब क्या करना, आपको इस थाली को जो आपकी प्लेट है, जो आपने प्लेट में जो रखा है
उसको 5 दिनों तक ऐसे ही रखे रहने देना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो प्लेट ऐसी जगह पे ना रखे जहाँ पर कोई उसको टच कर दे या लात लग जाए या किसी तरह से वो इधर उधर चला जाए, तो आप ऐसी जगह उसको रखिए ताकि वो सुरक्षित रखी रहे, ठीक है। तो 5 दिन तक उसको ऐसे कैसे ही रखना है, लेकिन आपको सुबह और शाम उस पर अगर जो कपूर होती है कपूर से उसकी आरती करना है। आरती कोई सी भी कर सकते हो आप जो आपको ठीक लगे, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये जो छोटी सी आरती है इस आरती को आप डेली सुबह और शाम कितने दिन तक, 5 दिन तक, जब तक वो प्लेट में रखी रहेगी जब तक आपको डेली सुबह शाम इसकी आरती करना है, 5 दोनों टाइम सुबह भी और शाम भी, ठीक है। जब पाँचों दिन खत्म हो जाए इसके बाद 6ठे दिन आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है यानी 108 बेलपत्र जो ऊपर रखी वो और नीचे की जो 5 बेलपत्री दोनों तरह की बेलपत्री को आपको उठाना है और किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना है। बहते हुए पानी का मतलब होता है या तो आप किसी सरोवर में चल जाइए या किसी नदी में चल जाइए। मान लीजिए आपके घर के मतलब जहाँ पर आप रहते हैं शहर में वहाँ पर नदी होना पॉसिबल नहीं है, तो आप किसी सरोवर तालाब के किनारे भी आप उसको विसर्जित कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और जो रुद्राक्ष है उस रुद्राक्ष को आप चांदी या फिर लाल धागे में पिरोकर आप अपने गले में धारण कर सकते हो। इससे क्या होगा कि एक बार इस प्रकार की जो प्रक्रिया है अगर वो कर ली, ये सिद्ध करने की जो तरीका है आपने एक बार कर लिया है, तो फिर उसको कभी भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक बार सिद्ध होने के बाद सदा के लिए एक जैसे ही रहता है, उसकी एनर्जी बाकायदा बरकरार रहती है कितने भी दिन चाहे उसको हो जाए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार मैं और उसको एनर्जाइज़ करूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैंने उसको और एनर्जाइज़ नहीं किया है, तो आप कोई अच्छा दिन देखकर जैसे शिवरात्रि हुई है ना, ऐसे जो दिन होते मकर संक्रांति हुई या फिर कोई ग्रहण का टाइम आता है, इस टाइम में आप फिर से इस प्रक्रिया को दोहरा कर आप उसको सिद्ध कर सकते हो, फिर से मतलब उसको एनर्जाइज़ कर सकते हो अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने जानकारी दी है ये आपको अच्छी लगी होगी और आप भी अपने किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष, किसी भी तरह के जो रुद्राक्ष है उसको आप इस विधि से सिद्ध कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तो आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।